वार्ड नंबर 2 काशीपुर फूलबगान मोटर मार्केट्स सर्वजनीन दुर्गा सब कमेटी का पूजा पंडाल पिछले 76 वर्षों से दर्शनार्थियों के लिए केंद्र बना हुआ। इस बार का थीम है संगीत, उसे ध्यान में रखकर ही पूजा पंडाल बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि स्वर्ण कोकिल लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार का पूजा मंडप तैयार किया गया है। कम बजट में बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा मंडप तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं पूजा पंडाल में। आप सभी व्यवसायी भाइयों, पल्ली वासियों, माताएं बहने, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग उतारे तेरी आरती, ते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे को तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबके बिगड़ी बनाने वाली। बगान मोटर एसोसिएशन द्वारा जो ये पंडाल हमारी स्वर सामग्री कमरा की लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया, उन्होंने इतना खूबसूरत रूप दिया है इसको, पूरा सांस्कृतिक माहौल ही बना दिया है, पंडाल का पूरा बना दिया है, अंदर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, जैसे दूरी को पीछे पूरा प्यानो का बना रखा, उनकी परिकल्पना बहुत खूबसूरत है, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। और हमारा वेस्ट बंगाल जैसा कोरोना में भी इन लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे थे, तो ये लोग हमेशा सेवा कार्य में लगे रहते हैं। मैं पुनः मोटर एसोसिएशन का धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे विगत अभी 2-3 दिन पहले ही हमारा मानिक तल्ला क्षेत्र पूजा परिक्रमा किया था, जिसमें करीब 50 ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी किताब के वगैरह नए कपड़े पहनाए गए थे, और साथ में हम लोग और बच्चों लोग ने काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को काफ़ी मतलब के सबको किसी के अनुरूप हमारा फूल बगान क्षेत्र भी है जो वर्ष भर कुछ कुछ काम धारा करते रहता है। अभी तारकेश्वर सावन मेला में तारकेश्वर कैंप उनका लगा था, काफ़ी सराहनीय था, और अभी उन्होंने कॉफी कैंप लगाया है, काफ़ी सराहनीय, और आज का पंडाल देख के काफ़ी उत्साह लगा। फूल बगान दुर्गोत्सव कमेटी के सचिव, मैं सभी दर्शकों को अपने पंडाल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आइए और मैं पंडाल कर रहा हूँ। मैं फूल बगान मोटर मार्केट एसोसिएशन के पूजा कमेटी का प्रवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता। सर्वप्रथम मैं बंगाल के वासियों का आह्वान करता हूँ कि आप स्वस्थ भाव से दुर्गा पूजा मनाएं, सद्भावना से, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, और हमारे इस पूजा पंडाल में आए। यहाँ संगीत का माहौल है। ये संगीत का माहौल इसलिए है कि कुछ दिन पहले हमारी लता दीदी को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न के साथ साथ हमारे ये यहाँ के कार्यकर्ताओं का ये खातिर कि हम देंगे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि हमारे यहाँ जगह की कमी है। हम लोग मार्केट में ये व्यापारी जगह है, जगह नहीं हो पाता, इसलिए थीम हम लोग उस हद हिसाब से दे नहीं पाते हैं। फिर भी जितना कोशिश होता है बढ़िया से बढ़िया देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम आह्वान करते हैं आप आए और प्रदर्शन करें। ये आज ओपनिंग के दिन पश्चिम बंगाल जयसवाल युवा मंच यहाँ पे कोई ना कोई सेवा कार्य का ओपनिंग करती है। कभी कॉफी कैंप है, कोरोना के समय में इन्होंने फ्री वितरण किया था मास्क का, उसके संग कॉफी तो रहता ही है। हर वर्ष ये 3-4 दिन तक इनका कार्यक्रम इनके साथ रहता है। हम लोग भी आते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग, और हमारा भी बड़ा अच्छा से पूजा कमेटी वाले सम्मान करते हैं, बढ़ाया जाता है, हमसे बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए। इसके लिए मैं हमारी पूरी टीम फूल बगान मोटर ट्रेडर्स दुर्गोत्सव कमेटी का आभार करता हूँ। तैयारी तो हमारा जो भी है बहुत अच्छा ही है,
कम बजट का हमारा पूजा पंडाल बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। जो लोग आया यहाँ बहुत तारीफ किया है। और हमारा सहयोगी संस्था है जयसवाल युवा मंच, आपने देखा होगा रोड पे टी कॉफी का व्यवस्था हुआ है। ठीक उसी बगल में जो है अग्रारी सेवा समिति का जो है पेयजल का व्यवस्था हुआ है। हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए दर्शनार्थियों का जो है पेयजल और ये कॉफ़ी और अभी हलवा का जो है प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे जो है हलवा बैठ रहा है निःशुल्क। हम लोग जो है व्यवस्था हर साल करते हैं, बस यही सब हम लोग का सेवा है। क्या क्या मैसेज देंगे बंगाल वासियों को, क्या मैसेज देंगे पूजा की? हमारा जो थीम है आप देख सकते हैं, पूजा वगैरह बना हुआ है और संगीत के बहुत ऊपर ये हम लोग जो है थीम बनाए और वही मैसेज दे रहे हैं। आप लोगों का फूल बगान मोटर मार्केट का जो दुर्गा उत्सव कमेटी का जो दुर्गा पूजा हो रहा है, ये कितने वर्षों पुराना है और ये मतलब प्राचीनता की एक दिखा रहा है कि एक झलक दिखाया जा रहा है इसके अंदर, तो जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं हमारे व्यूअर्स को। हमारा ये पूजा लगभग 75 साल से ऊपर 76वां साल चल रहा है और ये पूजा इस बार की जो थीम है हमारी संगीत बेस पे थीम है। दो साल हम लोगों ने कोरोना से बहुत जूझा है, कोई भी पूजा के घूमने के मकसद से निकल नहीं पाया, कहीं कोरोना ना हो जाए इस मकसद से। इस साल हम लोगों को कोरोना का नया वेरिएंट तो आया है लेकिन उतना भयभीत नहीं है जितना पिछले दो वर्ष थे। इस वर्ष हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष अपना दुर्गोत्सव मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे इस फूल बगान मोटर मार्केट दुर्गोत्सव समिति के पूजा पंडाल में अवश्य आएँ और इस हमारे इस मंडप में अवश्य पधारें, हमें भी अपनी आप को सेवा करने का मौका दें।